संभाल के हम सभी को मिलकर एकजुट से हम इस क्षेत्र को संभाल पाएंगे और उनके सपनों को साकार करकर उनके जानते हैं कि बहुत साल पहले में जब धर्मांतरण और गौ हत्या चरम सीमा पर हुआ करता था, जब ईसाई मिशनरी इस क्षेत्र में हावी हुआ करते थे, तब मेरे दादाजी स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने इस क्षेत्र के जिले के सभी लोगों के बदौलत सभी लोगों के दम पर हर जगह पदयात्रा कर घूमकर आदिवासियों के पैर धोकर धर्मांतरण को बंद किया था, गौ हत्याएं को बंद कराई थी। पर आज उनके जाने के 10 साल बाद में और आज के इस आज जो ये 4-5 साल से ये सरकार है इसके कार्यकाल में आप सब जानते हैं कि हर जगह धर्मांतरण और गौ हत्याओं जैसा शर्मनाक काम किया जा रहा है और जिसे रोकने के लिए हम सब तभी सफल हो पाएंगे जब सभी हिंदू समाज मिलकर एकजुटता के साथ में आगे आएंगे। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म के काम में इस क्षेत्र में जहां कहीं भी मेरी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी, आप सब मुझे कभी भी याद करिएगा, मैं आप लोगों के बीच में हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। जैसा कि गोपाल कश्यप जी ने यहां पर बताया, स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी कहकर गए थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे दोस्तों संभाल के। हम सभी को मिलकर एकजुट से हम इस क्षेत्र को संभाल पाएंगे और उनके दोस्तों संभाल के हम सभी को मिलकर एकजुट से हम इस क्षेत्र को संभाल पाएंगे और उनके सपनों को साकार कर उनके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं जो मेरे दादाजी स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी भी कहा करते थे, उस बात को मैं आज आप लोगों के सामने फिर से दोहराता हूं कि वो कहते थे कि मेरे रहते किसी भी हिंदू को किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आप लोगों को वचन देता हूं कि जब तक मैं भी जीवित हूं यहां पर एक एक हिंदू बच्चे को किसी भी हिंदू को किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बार फिर से यहां पर बैठे सभी बड़े बुजुर्गों को सभी महिलाओं को और सभी मातृशक्ति को यहां पर मैं प्रणाम करता हूं और सभी से मैं उम्मीद भी करता हूं कि आने वाले समय में हम इस धर्मांतरण के खेल को गौहत्या जैसे दुखद और शर्मनाक काम को रोकने में पूरी तरीके से सफल रहेंगे। और अंत में मैं बस कहना चाहता हूं कि वीर प्रसूता वसुंधरा का गूंज उठा जो नारा है, करो गर्व से हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए भारत माता की।